इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 8 जनवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1942 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ था। गंभीर शारीरिक विकार के बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। असाधारण प्रतिभा के धनी हॉकिंग को ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय हासिल है। देश दुनिया के इतिहास में 8 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1697 में ब्रिटेन में आखिरी बार ईसा नंदा के आरोप के लिए मृत्युदंड दिया गया था। 1790 में आज ही के दिन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया था। आज ही के दिन 1856 में डॉक्टर जॉन वीच ने हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट की खोज की थी। धार्मिक और सामाजिक सुधारक तथा ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का निधन आज ही के दिन 1884 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामचंद्र वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री निडर नाडिया का जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। देश की प्रसिद्ध उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। भारतीय ओडिसी नृत्यांगना केलुचरण महापात्र का जन्म आज ही के दिन 1926 में हुआ था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सईद जाफरी का जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। आज ही के दिन 1929 में नीदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ था। भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी प्रणवानंदा महाराज का निधन आज ही के दिन 1941 में हुआ था। प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल से आजाद किया था। उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग उन का जन्म आज ही के दिन 1984 में हुआ था। पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1984 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया के सहयोगी रहे मधु लिमाए का निधन आज ही के दिन 1995 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6ठे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 2009 में आज ही के दिन मिस्र के पुरातत्ववेदाओं ने 4300 वर्ष पुराने पिरामिड में रानी सेसेसेट की ममी की खोज की थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।